अर्पिता देखो तो जरा कौन आया। अरे जी देखती हूँ। जी नमस्ते। जी आप कौन? जी मैं अमित अमित आचार्य। विवेक जी होंगे। जी अमित अच्छा नमस्ते। आ जाओ खुश रहो। जी शांति भाभी कैसी हैं? सब बहुत अच्छे। आ जाओ आ जाओ। ये तुम्हारी चाची अर्पिता। ओह नमस्ते। नमस्ते। ये मम्मी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा था। इसकी क्या जरूरत थी? थैंक यू। अरे भाई अर्पिता जी पहली बार भतीजा घर पर आया है, जी इसका स्वागत नहीं करोगी? मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। आप लोग बैठो मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। और अमित मुंबई आना कैसे हुआ? यहाँ पे यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ है चाचा, तो उसी वजह से आना हुआ है। और घर पर सब कैसे हैं? घर पे सब ठीक है, सब बहुत आपको याद करते हैं। चाचू ये चाची वो अमित तुम्हारी चाची के गुजर जाने के बाद मेरे लिए बहुत टफ हो गया था। जिंदगी जैसे रुक सी गई थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब कभी शादी नहीं करूंगा। लेकिन वो तो तुम्हारे दादा दादी की जिद के बाद मुझे मजबूरन दूसरी शादी करनी पड़ी। वैसे अर्पिता बहुत अच्छी लड़की है। घर को एकदम संभाल कर रखती है और खाना खाना तो बहुत ही कमाल बनाती है। आ गई। हेलो जी चाय। अच्छा अमित यहाँ रह कहाँ रहे हो? कॉलेज के पास ही हॉस्टल है तो वहीं रुका हुआ हूँ अभी मैं। पर भाई हॉस्टल क्यों? यहाँ पर हमारे साथ रहो। नहीं मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहता तो। अरे भाई ये तुम्हारा घर है, जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम हमारे साथ रहो। और मैं शांति भाभी से बात कर लूंगा, तुम आज ही हॉस्टल जाओ और अपना सारा सामान लेकर आओ, तुम हमारे साथ रहोगे। क्यों भाई सही कहा ना मैंने? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वैसे भी जब से शादी हुई है मैं किसी से मिल ही नहीं पाई। तुम यहाँ रहोगे तो मैं सारे रिश्तेदारों के बारे में भी जान जाऊंगी। ठीक है जैसा आप लोग ठीक समझे। ठीक समझे नहीं, अपना सामान लेकर आ जाओ बस चुपचाप। जी यार प्लीज सोने दो, यू नो कल बहुत काम है मुझे।
ये लो तुम्हारे कपड़े, मैंने प्रेस कर दिए। अच्छी, इसकी क्या जरूरत है, आपने क्यों तकलीफ की? अरे तो मैंने कर दिए तो क्या हुआ, तुम ना शर्माते बहुत हो। ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं कर लेता चाची। और हाँ एक बात, सबके सामने चाची ठीक है, अकेले में तो मुझे अर्पिता बुला सकते हो। अच्छा चलो, अर्पिता ना सही, तुम मुझे अर्पिता जी तो बोल सकते हो। ठीक है, चलो नाश्ता रेडी है, जल्दी से आ जाओ। हाँ आते। अरे अमित आज जल्दी आ गए। एक्चुअली आज क्लास जल्दी खत्म हो गई थी तो मैंने सोचा कि घर ही चलते हैं। आप क्या बना रहे हो? सोच रही हूँ पुलाव बना लूं। वाओ, लाओ मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अरे मैं पुलाव मुझे बहुत पसंद है, मैं हेल्प तो कर ही सकता हूँ आपकी। वैसे अमित एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो ना। तुम बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं बुरा क्यों मानूंगा, पूछिए ना। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड नहीं। आ अरे मना किया था ना, क्या बहुत दुख रहा है। खून तो रुक गया है, मैं दवाई लेकर आती हूँ। नहीं नहीं ठीक है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, मतलब खुद नॉर्मल है। ज्यादा कुछ भी नहीं है, सेप्टिक हो जाएगा। रुको मैं लेके आती हूँ। दो इधर। बहुत जल रहा है क्या? कपड़े चेंज करके आता हूँ। आह आह मेरी कमर। आह क्या हुआ, क्या हुआ आपको? क्या कमर में दर्द हो गया मेरे। मैं स्प्रे लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं स्प्रे नहीं है घर में, तो डॉक्टर को बुला लेते हैं। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस तुम थोड़ा सा मेरी कमर दबा दो। अरे खड़े क्या हो, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ। यहाँ पे आ,
हेलो, हाँ दीपक, कहाँ है भाई तू? मैं घर पे ही था, क्या हुआ बोला? अरे वो नोट्स देने थे ना तूने मुझे। ओह यार, अभी आऊँ क्या? मतलब हाँ यार जल्दी आ जा, कल एग्जाम है। ओके, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। चाची वो दीपक का कल एग्जाम है तो मुझे उसको नोट्स देने अर्जेंट जाना होगा। हम डॉक्टर के पास चले? नहीं बस तुम थोड़ा सा दबा दो, ठीक हो जाएगा। मुझे थोड़ा अर्जेंट उसको देने जाना पड़ेगा, सॉरी। कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर की। बहुत जरूरी है जाना, नहीं जाऊंगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। पर आप कहीं जा रहे हो चाचू? हाँ सूरत जा रहा हूँ। आज ही? हाँ आज जरूरी है आज जाना। क्यों चाचू आप कैसे भूल सकते हो, आज चाची का बर्थडे है। क्या आज तुम्हारा बर्थडे है? आप कहे तो मैं अपनी जन्मदिन की तारीख चेंज कर लूं। ओहो डार्लिंग आई एम रियली सॉरी, तुम तो जानती हो काम की वजह से दिमाग कितना परेशान रहता है। आई एम रियली सॉरी, हैप्पी बर्थडे। अच्छा तुम एक काम करो, तुम और अमित जाकर कहीं बाहर घूमाओ, अमित इसी बहाने तुम्हें शॉपिंग भी करा देगा और कहीं घुमा भी लाएगा। मुझे कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं जानी है। तुम तो जानती हो मुझे घूमना फिरना और शॉपिंग करना नहीं पसंद, इसीलिए कह रहा हूँ जाकर अमित के साथ घूमाओ। ठीक है। वेरी गुड। अच्छा अब मेरा बैग ला दो अंदर से। हाँ मैं लाती हूँ। अच्छा अमित काम करना, तुम और चाची कहीं बाहर घूमाओ और ये कुछ कैश है ये रखो, ये भी लो और जरूरत हो तो मुझे फोन करना। जी आपका बैग। क्यों जल्दी वापस आते हैं? Many happy returns of the day. Thank you. जल्दी आना। मैं यूं गया और यूं वापस आया। अरे अमित कहाँ ले जा रहे हो मुझे? Here you are. इस सब की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी, आई मीन आज आपका बर्थडे है तो इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं ये सब कुछ करूं। आप प्लीज केक कट करें। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चाची, happy birthday to you, wishing you a very very happy birthday. Thank you. Now it's my turn, huh? ड्रिंक नहीं करता। पीती तो मैं भी नहीं। प्लीज आज मना मत करना, आज मेरा बर्थडे है। ठीक है।
चेस। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? अच्छी है पर थोड़ी कड़वी है, अजीब सी है। धीरे धीरे पियो, एक एक सिप लो। हाँ जी। एक बात पूछूं अमित? हाँ जी पूछिए। क्या तुम्हारी सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं, नहीं है। तुम मुझे बता सकते हो? एक्चुअली थी पहले एक, पर अब नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। कुछ टाइम पहले तक थी मेरी गर्लफ्रेंड, बट एक दिन फर्स्ट डेट पे मैं उसको एक मूवी दिखाने लेकर गया एंड वहाँ से वापस आए, उसको मैंने घर पे ड्रॉप किया। उसके बाद मतलब उसने सब कुछ ख़त्म ही कर दिया। मैंने उसे कई बार कॉल किया, मैसेज किया, बट कभी उसने रिप्लाई नहीं किया। तो अब नहीं है। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। क्या कह रही है मतलब? हाँ यही ना, कि मैं तुम्हारी चाची हूँ। क्या हम इस बात को एक रात के लिए भूल नहीं सकते? अब ये सब क्या कह रही है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। सर सर घूम रहा है, सर चकरा रहा है। हाँ अजीब सा हो रहा है, भारी सा हो रहा है सर मेरा। वाह सर दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? दिखाओ कहाँ दर्द हो रहा है। यहाँ? हाँ मतलब पूरा सर, सर भारी। यहाँ? Thank you.
गुड मॉर्निंग. क्या किया कल तुमने रात को? क्या किया, क्या किया मैंने बोलो? क्यों किया यार तुमने ये सब? बट मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया. जो कुछ भी हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ. तुम्हारी मर्जी से क्या हुआ? क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपनी माँ को जाके? क्या बोलूंगा मैं चाचू को? इसलिए रखा था उन्होंने मुझे यहाँ पे. पर किसी को भी कुछ भी बोलने की क्या जरूरत है? पर तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और जो थी वो तुम्हें छोड़कर चली गई, और तुम भी तो अपना हेजिटेशन दूर करना चाहते थे ना. Can you please? तुम फिर इतना अपसेट क्यों हो? Can you please just stop it? Please जाओ यहाँ से. Please. अच्छा ठीक. Don't touch me. Relax, relax. दूर जाओ. ऐसे जाओ. Please. जाओ यार यहाँ से. ठीक. क्या बोलूँगा मैं अपने चाचू को? इसलिए रखा था मुझे यहाँ पे. Relax. मैं जाती हूँ. और हाँ, पहली ही डेट पर किसी को पिक्चर मत दिखाने लेकर जाना. Can you please, please? हेलो 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 चाचू, मुझे आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी. आप कहाँ पे हो? हाँ अमित, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, तो थोड़ी देर बाद बात करना. चाचू अरे थोड़ी देर बाद बात करना, बता रहा हूँ. हेलो हाँ अमित. चाचू मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी आपसे. अमित, हम शाम को बात करते हैं, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ ऑफिस के काम से. चाचू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो गई है. प्लीज़ जल्दी से घर आ जाइए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा चलो बोलो. चाचू एक्चुअली बाकी सब प्लीज जल्दी से घर पे आ जाइए. चलो तुम एक काम करो, जैसा जैसा वो कहती हैं वैसा वैसा करते रहो. मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ. ठीक है, जल्दी आइए प्लीज. मैं जल्दी आता हूँ. जान, तुम्हारे लिए. क्या बात है, चाची से सीधा जान. एक्चुअली क्या है ना, मुझे समझ आ गया, ये जो हम लड़ते रहते हैं ना बेफालतू का, अब ये खत्म करते हैं. अब से जो तुम कहोगी हम वही करेंगे. चलो अच्छा है, तुम्हें समझ तो आया. यस. पर आज मेरा पीने का मूड नहीं है. मेरा बहुत सादा मूड है, तो अमित इतना तो कर ही सकती हो तुम मेरे लिए. आज बड़े रोमांटिक हो रहे हो. समझ आ गया ना, तो ये सब छोड़ो, पहले रोमांस ही कर लेते.
Well, इसके साथ रोमांस करने में ज्यादा मजा आएगा नहीं? ओके सेट मैं बनाता हूँ. क्लास तुम इतने रोमांटिक हो, मुझे पता नहीं था. मैं तो क्या क्या हूं अभी बहुत कुछ तुम्हें नहीं पता है. अच्छा? पता चलेगा. हैव योर ड्रिंक. Cheers. Cheers. क्या प्लान है इसके बाद? इसके बाद प्लान तो बहुत अच्छा है अगर तुम साथ दो. मैं तो अब से तुम्हारे साथ ही जो जो करना चाहो जैसे करना चाहो कर सकती हूँ. अच्छा चले. आप तो दो चार दिन बाद आने वाले थे ना. क्यों चौंक गई मुझे देखकर? देखिए आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं गलत समझ रहा हूं या तुम मुझे गलत दिखाने की कोशिश कर रही हो? ये तो अमित ने फोन कर मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, वरना ना जाने तुम मेरी आंखों के पीछे क्या क्या गुल खिलाती हो. शर्म नहीं आती तुम्हें अपने बेटे जैसे भतीजे के साथ इस तरह के काम करते हुए? कितना प्यार किया मैंने तुम्हें, क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए. मैं तुम्हारी शक्ल एक मिनट भी देखना पसंद नहीं करूंगा. निकल जाओ मेरे घर से. निकल जाओ मेरे घर से. सुनिए मेरी बात. मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है. निकल जाओ मेरे घर से. निकल जाओ मेरे घर से. सब बर्बाद कर दिया इसने. सब बर्बाद कर दिया इसने. कितना प्यार करता था मैं इसे, क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए. चाचू प्लीज संभालिए खुद को, ठीक हो जाए.